इस संसार में जिसने मनुष्य जीवन में जन्म लिया है उसे टेंशन का अंबार हमेशा लगा ही रहता है। सबसे पहले पढ़ाई लिखाई की टेंशन, उसके बाद पैसे कमाने के चक्कर में आदमी दिन रात मेहनत करता है, लेकिन इन सब के बावजूद अगर लक्ष्मी उनसे हमेशा दूर ही भागती रहे तब आप क्या करेंगे? यह बात खुद उनके समझ में नहीं आती। वो खुद नहीं समझ पाते कि आखिर वो क्या करें, किस प्रकार से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकें। आपको बता दें, यह सब देखा जाए तो हमारी कुंडली के हिसाब से भी होता है। कुंडली में दोष या कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो हमें काफ़ी परेशान कर देते हैं, लेकिन हमें इस बात का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि यह सब हमारी राशि में ग्रहों के उथल पुथल से हो सकता है। आपको बता दें, कई बार हमारी किस्मत भी हमारा साथ नहीं देती है, हमारी किस्मत में बना योग भी हमें परेशान कर देता है। कई बार आपने देखा होगा या महसूस भी किया होगा कि मेहनत करने के बावजूद आपको सफलता नहीं मिल पाती, जबकि आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं होती, आपका नसीब आपके साथ नहीं होता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे, जून माह के अंतिम दो दिन इन दो राशियों की किस्मत का पिटारा खुलने वाला है। इनके घर में लक्ष्मी का आगमन होने वाला है, पैसों का भंडार इनके घर में होगा। चलिए आपको उन दो राशियों से रूबरू कराते हैं। मेष राशि, मेष राशि वालों के लिए जून के महीने के अंतिम दो दिन काफ़ी लकी साबित होंगे, आमदनी के स्रोत बनेंगे। यह राशि वाले काफ़ी कुछ मेहनत करके नाम कमाएंगे, हर काम में इनको सफलता मिलेगी, रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है, ज़रूर फायदा होगा। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों को जून के अंतिम दो दिन चांदी रहेगी, पैसा इस कदर आएगा कि संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। घर में आपसी प्रेम बढ़ेगा, किसी भी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, धन लाभ होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। यह महीना आपके लिए खुशियों से भरा होगा, लाभ ही लाभ होगा। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।